देव संस्कृति विश्वविद्यालय के फल सब्जी परीक्षण यूनिट में जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, स्क्वेश, अनेकानेक प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। आज हम आम के अचार बनाने की तरीका सीखेंगे। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। जिसका तरीका इस प्रकार है, आम की फांके 1 किलो, नमक 150 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, लाल मिर्च 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, हींग 2 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, मेथी 30 ग्राम तथा सरसों 40 ग्राम, सरसों तेल 200 ग्राम। इसकी विधि इस प्रकार है, इसमें आम की फांकों को किसी टब में रख करके उसमें नमक डाल करके और हल्दी डाल करके अच्छी तरह मिलाते हैं तथा इसे 5 दिन तक हम धूप में रखते हैं। 5 दिन के दौरान ही यह अचार नमकीन पानी छोड़ता है। अब हम इस नमकीन पानी को अलग कर लेते हैं। इस नमकीन पानी में सभी मसाले मोटा पीस करके और इसमें मिला देते हैं, साथ ही इसमें सरसों तेल को ठंडा करके इसमें मिला देते हैं और इस घोल में आम की फांकों को डाल करके अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसको हम 20 दिन तक रखते हैं। 20 दिन के बाद इसमें परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट और एसिटिक एसिड डाल करके अच्छी तरह से मिला देते हैं तथा 50% बचे हुए तेल को गर्म करके ठंडा करके इसमें मिला देते हैं। इस प्रकार अचार तैयार हो जाता है। अब हम इसे स्टरलाइज किए हुए डिब्बों में पैक कर लेते हैं। यह बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है और इसको हम बहुत मजे से खाते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।